guys, I know it's not a easy concept video that everybody can handle, but a good takeaway is Maggie noodles, chocolate. वो हमने डालने की कोशिश की है and yeah and you know a little bit of cheating if it doesn't harm anybody you know when you're playing a game so thank you so much for watching it I hope you guys like this one. Thank you so much. I must say that the cinematography, right to the composition, amazing. And you guys are super duper cute on the screenplay. So I think ab media se sawal lene ka time aa chuka hai. So I'll hand over the mic to all of you and you can take questions as and when you guys. Yes. अरे आप आ गए सर अभी कुछ अलग अलग ही सब पूछे गए आज भी वेरी बैड है बैड रहा वेरी बैड मतलब मुझे मजा ही नहीं आया काम करके इतने अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं ना तो मुझसे नहीं परफॉर्म किया जाता है बहुत बुरा था एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसा रहा द टीम इज एक्सट्रीमली गुड एंड सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स एंड ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर लाइक एवरीवन कैन लाइक वी ऑल कैन मतलब शी इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि अभी भाई इतना कमाल का कैसे गा सकते हैं एक्चुअली इनके गले में ऑटो ट्यून तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मैम आपसे जानना चाहूंगा कि और जब शूट हो रहा था तभी केमिस्ट्री कैसा था और सर के साथ काम करने का कैसा लगा आपको See, so we have done the previous season together, and we are very good buddies. And this is how you know maybe the chemistry can be seen on screen somehow. And also like we have that you know fun kind of a bond. So turns out to be the best. You know whatsoever we scenes we do or takes we do. एक दूसरे की रिदम समझना बहुत जरूरी हो जाता है खुद की एज अ परफॉर्मर दूसरे की भी आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी वो होता है एंड जब रिदम समझ आ जाती है तो यू नो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका ऐसा रिएक्शन आएगा और प्लस आई थिंक अ बिग शाउट आउट टू द डायरेक्टर्स नितिन एंड नितिन भी दे क्या ना कि कभी कभी हम लोग हमें कुछ सही लगता है लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव हमेशा जो क्रिएटर होता है उनका होता है तो आई थिंक यू नो उनकी वजह से ये खूबसूरत बन पाया है सो फ्यू लाइंस अभी सर फ्यू लाइंस अभी सुना दूं अभी नहीं प्रॉपर्ली करते हैं ना सो जब आपने ये रिकॉर्ड किया व्हाट वाज द एक्सपीरियंस दैट टाइम मतलब जब आपने रिकॉर्ड किया था सॉन्ग ये गाना एक्चुअली एक साल पहले मेरे पास आया हाँ जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं यक्षच उन्होंने मुझे सुना दिया था गाना उन्होंने बताया कि इस टाइप का इसके लिरिक्स है वो सब कुछ तो इसमें चेंजेस बहुत हुए एक्चुअली महेश भैया जो कि बी लाइव म्यूजिक के ओनर हैं उन्होंने बहुत सारे चेंजेस में हम 9 बजे रिकॉर्ड करने बैठे थे सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड कर रहे थे इस गाने को जब हम फाइनल डब पे थे बहुत सारे चेंजेस हुए तो ये चेंजेस आपके सामने हैं जिस तरीके का इमोशंस है जिस तरीके से ये लिरिक्स लिखी गई है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे से यक्षा जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सो करणवीर सर विल यू लाइक टू शेयर एनी मोमेंट व्हाइल डूइंग दिस होल म्यूजिक एनी फन मोमेंट लाइक यू सेड मैगी चॉकलेट्स एंड ऑल हाँ तो बेसिकली मैंने हाँ वो ये बहुत बहुत मतलब डर रही थी मुझे काटने से मैं बोला था कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर यू नो तो तुम ऐसे समझो कि तुम एक बोल नहीं सकते पर नहीं इन द सेंस दैट काटने आना चाहिए तुम्हें इंसान को यू नो ऐसे तुम ऐसा बोलो
नहीं बट लाइक ही इज रियली पेट्रिफाइड है एंड वी हैव टू मेक इट लुक लाइक ऑथेंटिक सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फनी मोमेंट्स आई हैड अ ब्लास्ट वी हैड अ ब्लास्ट यू नो बच्चों के साथ खेल के मतलब इतनी एनर्जी हमारी खत्म हो गई थी कि पैकअप हो जाए इसके बाद चिल्ड्रन हैव दिस एनर्जी व्हिच नेवर डाइज डाउन एंड या सो व्हाटएवर यू आर सीइंग लाइक यू नो द मोमेंट्स दैट वी आर लाइक प्लेइंग विद देम इट्स एक्चुअली व्हाट वी वर प्लेइंग सो दे शॉट अ लॉट and they chose the best sequence. Okay, we have seen the fun side over here. Yeah. Okay, but in the video we have seen a sad side, especially that hand movement. What about that? Look, it's difficult to work with scene karne mein. Hand movement as well. Achha, toh. Oh, haath chhootne ka. Toh maine Dharma ki film dekhi thi. Dharma ki. लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की थी आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड टू माई कैरेक्टर जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ सो आई कनेक्टेड टू द म्यूजिक यू नो म्यूजिक प्लेज अ बिग पार्ट टू गेट माई इमोशंस आउट यू नो तो उस टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट किया था Can I have the song? The song का एक portion है जो मैं अभी भाई को भी अभी green room में कह रहा था कि जब वो रोते हैं गाने में तो वो वाला अगर portion play करेंगे तो मे भी मेरा emotion ज़्यादा authentic आएगा और हाँ फिर वैसा था फिर तो गाना play करके एक emotion आ जाता है फिर एक और गाना है बीच में वो गाना हमें मिल नहीं रहा था तो फिर हमने एक मेरा favorite गाना जो मैं शौर्य अनोखी में भी use किया था जो बेची थी दुआ तो फिर वो भी प्ले किया फिर उसके बाद भी टेक अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैंने बोला कि इससे बाद में होने नहीं वाला आप मैनेज कर लेना करण वीर और दिवात्मा कंग्रेचुलेशंस फॉर दी सॉन्ग एंड जिस तरह से पहला म्यूजिक वीडियो हिट रहा है मिलियन हिट रहा है फैन फॉलोइंग काफ़ी पॉपुलैरिटी है फैंस चाहते हैं आप दोनों को साथ में देखें तो जब आप साथ में कोई इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई नर्वसनेस होती है किस तरह की फीलिंग होती है वैन फैंस का रिस्पॉन्स जब हर बार इस तरह से आता है तो उनकी भी उम्मीदें बढ़ जाती है तो उसको लेकर किस नज़रिए से देखते हैं आप इस चीज़ को We have always been very grateful and thankful to all our fans because it's because of them ki you know at least you know we are here together and you know we are having a conversation with you guys and really thankful to all of them and rahi baat hamari bonding ki aap experience it's always you know if you ask me personally it's always fun to work with Karanveer and like we have done the previous projects together so agar hectic bhi hota hai kahin na kahin you know when you have fun also while you work so you know lagta hi nahi hai ki you know you know it becomes easy for you right so yeah that's that and Yeah, so whoever wants to work with me over here, it's a lot of fun. You know, I did a lot of fun for everybody. Yeah. So that's one of you know honestly expectations हमारी नहीं होती हैं जितना आप लोग पूछते हैं उतना हम सोचते भी नहीं हैं because जब हमें बुलाया जाता है तो जाहिर है कि उन्होंने कहीं हमारा एक body of work देखा होता है और शायद हम उस character में fit बैठ रहे हैं और थोड़ा बहुत अच्छी acting कर लेते हैं शायद तो आई थिंक इट जस्ट हैपेंस यू नो एंड हमारी एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है जो मैंने महेश भाई से भी हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग हमने कहा था कि बिकॉज वी ऑलरेडी कम अप विद अ सॉन्ग इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ मतलब कुछ और होना चाहिए यू नो तो वी ऑल वर्क्ड कलेक्टिवली और एक अच्छी कहानी बताने की कोशिश की आई नो इट्स नॉट वन ऑफ योर टिपिकल रोमांटिक सॉन्ग्स एक ऐसा गाना है जब आप ये पूरा गाना देखेंगे हाफ वे थ्रू यू विल रियलाइज के ये गाना आप भूल नहीं पाएंगे यू नो व्हेनेवर यू हियर दिस सॉन्ग यू विल हैव दैट इमेजरी इन माइंड तो दैट्स द काइंड ऑफ इंपैक्ट इट हैड ऑन मी आई एम प्रीटी श्योर इट हैड ऑन योर ऑडियंस एज़ वेल थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट